सर थोड़ा क्लोज हो जाइए, दामबाबू टी क्लोज ही जानतु, दामबाबू क्लोज संभावनाओं का प्रदेश, ढेर सारी संभावनाएं हर दृष्टि से, भौतिक विकास की, रेवेन्यू के विकास की और सांस्कृतिक विकास की इसके अंदर पड़ी हुई है, मगर इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, इसकी संभावनाओं को किसी ने तराशा नहीं। बहुत साल तक यहां कांग्रेस का भ्रष्टाचारी शासन रहा, आलसी और भ्रष्टाचारी शासन के लिए जो ओडिशा कभी आजादी के पहले पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर अपनी भाषा की अस्मिता को लेकर अंग्रेजों के समय में आंदोलन करकर अपना एक अलग राज्य की मांग करने वाला ओडिशा धीरे 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 अपनी अस्मिता को विस्मृत करता। बदलाव की आशा से ओडिशा की जनता ने बीजू जनता दल को सत्ता में लाया, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे। शुरू शुरू में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, मगर 19 साल तक नवीन बाबू ने जिस प्रकार से यहां पर सरकार चलाई है, मुझे बोलने में कोई दुविधा नहीं है कि कांग्रेस से भी निकृष्ट शासन बीजू जनता बन गई। जिस परिवर्तन की आशा के साथ, जिस परिवर्तन की चाह के साथ ओडिशा की जनता ने बीजू जनता दल को नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे थे, वो आज परिपूर्ण नहीं हुआ। दूरदृष्टि